बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस चल रहे हैं वो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए हैं। जो प्राइस कल रात को 40 की सीरीज तक पहुँचने वाले थे और 30 की सीरीज तक पहुँच गए थे इंडियन रुपीज़ में, आज वही प्राइस फिर से कम हो गए हैं, फिर से 26 की सीरीज चल रहा है इन इंडियन रुपीज़। और अगर हम डॉलर की बात करें तो 37-36 ये कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं इस टाइम पे शिबा इनू के, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं कल रात को मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया था। $51,000 पे बिटकॉइन था, 52 को टच करने वाला था, लेकिन फिर से रात में ही मार्केट नीचे आया और बिटकॉइन आ गया $49,000 पे। इथेरियम भी 3900 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन हुआ और मार्केट के इस डाउन होने का जो इम्पैक्ट है बाकी करेंसीज पे भी पड़ा, अल्टकॉइंस पे पड़ा, शिबा इनू कॉइन पे पड़ा। तो शिबा इनू कॉइन भी यहाँ पे 4% डाउन चला गया, जो 40 की सीरीज टच होने वाली थी उससे यहाँ पे डाउन में आ गया। और अभी जो आप प्राइस देख रहे हैं 26-36 है ना, ये सीरीज चल रही है। और आज हम बात करेंगे कि शिबा इनू आगे 2022 में हमको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को नहीं पता 2022 में क्या कुछ होने वाला है उनके बारे में उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जनवरी स्टार्ट होते ही यहाँ पे 5-6 तो लिस्टिंग लेके हम चल रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 2-3 लिस्टिंग्स तो कन्फर्म है, जैसे कि बिट स्टैम्प की लिस्टिंग कन्फर्म है, उसने डिले कर दिया था, और नए साल पे हो सकता है 1 जनवरी को ही बिट स्टैम्प की लिस्टिंग देखने को मिल जाए। साथ में इंडो एक्सचेंज ने भी यहाँ पे जो है अपडेट दिया था लिस्टिंग का। इसके अलावा बिटसो, एक मैंने आपको बताया था वो भी सिग्नल दे रही थी, कहीं ना कहीं उसकी भी हमको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 3 लिस्टिंग्स ये हो गई। इसके अलावा रॉबिनहुड की लिस्टिंग कंफर्म नहीं है, रॉबिनहुड लिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये रॉबिनहुड ही जानता है। और अगर इस बार न्यू ईयर पे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, अगर न्यू ईयर पे शिबा आर्मी को सरप्राइज दे देता है रॉबिनहुड, तो कहीं ना कहीं पीछे जो कुछ हुआ उसको कहीं ना कहीं भूल जाएगी शिबा आर्मी। और अगर अब भी अपडेट नहीं देता, अब भी डिले करता है या लिस्ट करता ही नहीं है, तो रॉबिनहुड को एक तरफ साइड में कर देगी शिबा आर्मी, ठीक है। तो 3 लिस्टिंग्स तो ये हो गई। इसके अलावा 2-3 लिस्टिंग्स हम अनएक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग्स होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारी लिस्टिंग वेट कर रही हूँ कि नए साल पे हम भी शिबा को लिस्ट करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो 8 तक भी पहुँच सकती है लिस्टिंग का ये आंकड़ा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब लिस्टिंग्स आपको 1 जनवरी को ही देखने को मिल जाएंगी, लेकिन नया साल स्टार्ट होगा तो लिस्टिंग्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो लिस्टिंग्स बहुत सारी वेट कर रही हैं शिबा इनू का नए साल के अंदर। और ये सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्फर्म है, इसमें से 2-3 लिस्टिंग्स तो कन्फर्म है। बिट स्टैम्प की है सबसे बड़ी लिस्टिंग, उसके अलावा इंडो एक्सचेंज है। तो ये सब लिस्टिंग्स हमको नए साल के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है शिबा इनू का रोड मैप अभी पूरा क्लियर नहीं आया, पूरा 2022 का रोड मैप नहीं आया है, और हमें जो चीज़ें पता है वो जनवरी फरवरी मार्च तक की हो सकती हैं। और मुझे तो लग रहा है सिर्फ जनवरी फरवरी तक की ही होंगी, उसके अलावा मार्च अप्रैल उसके बाद का टाइम कैसा रहेगा और क्या कुछ लेके आएगा शिबा इनू, उस पर एक AMA सेशन होने वाला है। जी हाँ, 29 दिसंबर को ये AMA सेशन हो रहा है, पहला AMA सेशन हो रहा है शिबा इनू का। और इस 29 को डिस्कस होने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट शिबेरियम का डिस्कशन है, लेकिन इसके अलावा डेवलपर्स की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा रोड मैप 2022 कि पूरे 2022 में क्या कुछ लेके आएंगे, Q1 में क्या कुछ करेंगे, Q2 में क्या कुछ करने वाले हैं, Q3, Q4, ठीक है। Q1 का टाइम होता है जनवरी फरवरी मार्च का, Q2 का टाइम होता है अप्रैल मई जून का, और Q3 का होता है जुलाई अगस्त सितंबर का, और Q4 का होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं और इनके अंदर क्या कुछ करेंगे ये सब चीज़ें रोड मैप में निकल के आएंगी, और रोड मैप के पहले ये डिस्कशन होना कहीं ना कहीं लेके आएगा कि क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ सरप्राइजेस हमको देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई रोड मैप की। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी बहुत सारे हैं जो हमें इस अक्टूबर के बाद देखने को मिले। इस साल हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस। ये देखे AMC थिएटर ने एक्सेप्ट किया, न्यू एग ने एक्सेप्ट किया, ये कंपनीज हैं अनएक्सपेक्टेड। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज आ सकती हैं 2022 में शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। तो ये हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस जिसके बारे में हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि तो ये कुछ चीजें हैं रोड मैप को लेके, रोड मैप का वेट हम भी कर रहे हैं, क्या कुछ रोड मैप लेके आते हैं 2022 में और किस तरह शिबा के प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि काम भी करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा शिबा की सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर इसकी तो सप्लाई बहुत ज्यादा है कैसे ये वन रुपी को टच करेगा, वन डॉलर को हिट करेगा। वन डॉलर को तो खैर अभी थोड़ा यहाँ पे साइड कर दो, वन रुपी रुपी की लाइन में आना बेहद जरूरी है और 2022 में पूरा एक्सपेक्टेशंस हैं शिबा इनू से कि रुपी की लाइन में आएगा। इसके साथ साथ बर्निंग भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा बर्निंग से कुछ नहीं होगा, बर्निंग से इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता शिबा इनू के प्राइस इंक्रीज करने में, क्योंकि शिबा इनू का मार्केट कैप भी इंक्रीज होना बेहद जरूरी है, बर्निंग के साथ मार्केट कैप भी इंक्रीज होना चाहिए तभी शिबा के प्राइस ऊपर जाएंगे। ये चीज आप मैं काफी टाइम से कह रहा हूं, और सिर्फ बर्निंग आप कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बर्निंग कर दें तो इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं होंगे जब तक मार्केट कैप इंक्रीज नहीं होगा। तो बर्निंग भी हमको देखने को मिल सकती है 31 दिसंबर को, सरप्राइज दे सकते हैं डेवलपर, हो सकता है नए साल पे आपको सरप्राइज दे दें, कुछ हिस्सा कुछ अमाउंट बड़ी बर्निंग हमको देखने को मिल जाए, लेकिन सप्लाई फिर भी बहुत ज़्यादा है, अभी ट्रिलियंस में सप्लाई है और सप्लाई टाइम के साथ ही कम होगी, टाइम के साथ ही बर्निंग होगी और वेट आपको करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जो पेशेंस रख लेगा उसी को एट द एंड, मतलब एंड में जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो पेशेंस नहीं रखेगा वो फिर बैड रिजल्ट ही मिलेंगे उसको। तो पेशेंस जरूरी है, टाइम के साथ बर्निंग भी होगी, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, टाइम के साथ मार्केट कैप भी इंक्रीज होगा, सारी चीज़ें और वैल्यू भी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। तो ये सारी चीज़ें हो गई बर्निंग को लेके, रोड मैप को लेके और मेटावर्स और गेमिंग भी हम जनवरी में देख सकते हैं, मेटावर्स गेमिंग किसको लेके आते हैं या उससे पहले शिबेरियम को लेके आते हैं, क्या कुछ होता है, अमेजोन का भी लिस्ट में शामिल है कि पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जनवरी में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी हैं कि प्राइस वन रुपी को कब हिट करेगा, अगर 2022 में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, अभी तो हम सिर्फ जनवरी या फरवरी तक की ही बात कर रहे हैं, अभी पूरा 2022 है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे जैसे 2022 बीतेगा वैसे वैसे मतलब जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती जाएंगी और रोड मैप के अंदर क्या निकल के आता है ये भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं कि शिबा 2022 में वन रुपी को हिट कर ले, और बहुत सारे लोगों को ये बात शायद मजाक लगेगी और शायद उनको लगेगा कि 2022 में वन रुपी को हिट नहीं कर सकता किसी भी हालत में, तो मैं उनको बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 2050 तक शिबा वन रुपी को हिट करेगा, तो बिटकॉइन को यहाँ पे 11 साल लग गए, 2009 में लॉन्च हुआ था, अभी 21 में बिटकॉइन की कीमत 40-45 लाख के करीब जो भी है आप देख रहे हो, और बिटकॉइन को 11 साल लगे, क्यों लगे, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर इतने लॉग भी नहीं थे तभी उसको इतने 11 साल लग गए। आज का मार्केट और 2009-10 का मार्केट बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझें, उस टाइम का जो मार्केट था उसमें जो लॉग थे वो काफ़ी कम थे, आज का जो मार्केट है उसमें लॉग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं उस टाइम से, और आज का जो मार्केट है आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे आज के टाइम से। ये जो अब इंक्रीज होने का जो रेशियो है, जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं तेज है, ठीक है, पहले आपको 10 साल 11 साल लग गए लोगों को क्रिप्टो करेंसी में आते आते, और अब कुछ यहाँ पे जो है स्पीड हम 2022 में और भी तेज देख सकते हैं, जिस तरह लोग क्रिप्टो करेंसी में आएंगे, जिस तरह इन्वेस्टमेंट आएगा वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसीज को पुश मिलता जाएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में लोग थे ही नहीं और तभी बिटकॉइन जो इतनी पुरानी क्रिप्टो करेंसीज है उनको इतना टाइम लग गया इस लेवल पे पहुंचने पे। तो शिबा इनू का ज़्यादा से ज़्यादा रुपीस की लाइन में पहुंचना कोई दूर की बात नहीं है, हम तो कोई यहाँ पे $1 की बात नहीं कर रहे, कोई $20 की नहीं कर रहे, कोई $100 की नहीं कर रहे, वो भी शिबा इनू पहुँचता हुआ दिखेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन रुपीस की लाइन में 20 आ रही हैं और किल करने में मुझे नहीं लगता कि 2022 में शिबा इनू इतनी काबिलियत तो रखता है कि 20 किल कर सके, जिसने 2021 में कितनी जीरो किल कर दी, 2020 में कितनी जीरो किल कर दी और 2022 में 20 किल नहीं होंगी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर जिनको लगता है कि इससे भी लेट शिबा इनू वन रुपी को हिट करेगा, तो सबकी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं शिबा इनू को लेके, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लिस्टिंग्स होने वाली हैं, रोड मैप आने वाला है और बहुत सारी लिस्ट में चीज़ें।
तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और किसी भी क्रिप्टो या शिबा में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।